नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक राष्ट्र के हर घर में राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिलाधिकारी श्री रवीश गुप्ता और पुलिस अधीक्षक श्री सोमरेन वर्मा द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में तमाम लोगों, आम नागरिकों, सामाजिक संगठन, स्कूल कॉलेज के बच्चे, सीआरपीएफ के जवान के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। लोगों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील भी लगातार की जा रही है। मैनपुरी में झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। शिक्षकों पर बीएसए का कोई भी अंकुश नहीं रहा है। आए दिन नौनिहालों से इस तरह के काम कराते वीडियो वायरल होते रहते हैं। पढ़ाई के समय बच्चों से कभी झाड़ू लगवाया जाता है, कभी यहाँ पर चटाई बिछवाई जाती है या फिर कभी टीचर आराम फरवाते हैं, हाथ पैर दबाते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें मैनपुरी से सामने आई हैं, जहाँ पर बच्चे हाथों में झाड़ू लेकर झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला घिरौर के परिषदीय विद्यालय का बताया जा रहा है। हाथरस में सरकारी स्कूल के टीचर स्कूली बच्चों से 15 रुपए में राष्ट्रीय ध्वज बेच रहे हैं। सरकारी स्कूल में लाउडस्पीकर लगाकर माइक से स्कूली बच्चों को 15 अगस्त के लिए संबोधित करते समय ये बातें कही गई है। मुख्यमंत्री और सरकार का आदेश है कि अमृत महोत्सव मनाना है तो सभी बच्चे तिरंगा झंडा के लिए 15-15 रुपए लाएं, ऐसा टीचर्स कह रहे हैं। ऐसे आरोप टीचर्स पर लग रहे हैं। टीचर्स का तिरंगा झंडे के लिए 15 रुपए मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। हाथों जिले के सहपो ब्लॉक के गाँव बुढ़ाइच स्थित सिविलियन विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र गुलावठी में स्थित नगर पालिका की हाल ही में नियुक्ति हुई अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान ने जनसमस्या को लेकर डंपिंग ग्राउंड पर पहुंचकर मुआयना किया। नगर के डंपिंग ग्राउंड में गुलावठी नगर पालिका द्वारा जमा किए जाने वाले कूड़ा करकट को लेकर आमजन ने विरोध जताया था। विरोध की सूचना पाकर तत्काल प्रभाव से नगर पालिका की ओर से डंपिंग ग्राउंड पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान ने बताया कि डंपिंग ग्राउंड पर पहुंचकर कुछ समस्या थी, उनको देखा गया है, समझा गया है। डंपिंग ग्राउंड पर जाने वाली सड़क की मरम्मत नहीं की गई है और यो नगर गुलावटी ही नहीं, देश के अनेक शहरों में कूड़ा करकट को लेकर समस्या बनी हुई है। ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा किया जाए। और अब खबर औरैया जिले से है, जहां अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के मुगल रोड पर देर रात दो सिपाहियों की आपस में मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उच्च अधिकारियों ने मामला संज्ञान में लेते हुए दोनों सिपाहियों को अनुशासनहीनता के मामले में लाइन हाजिर कर दिया। ये खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर मारपीट के वीडियो वायरल होने के बाद ये वीडियो बताया जा रहा है और रुपयों के बंटवारे को लेकर सिपाहियों में मारपीट हुई थी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद सोशल मीडिया पर वैसे ही वायरल हुई, वैसे ही पुलिस प्रशासन की किरकिरी होने शुरू हो गई। तो ऐसे में किरकिरी होता देख कुछ अधिकारियों ने जांच के बाद दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया और आगे कार्रवाई करने की बात भी सामने आई है। सीओ अजीतमल प्रदीप कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोनों सिपाहियों के खिलाफ लाइन हाजिर करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग मीरा कुमारी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में सभी संबंधित विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में माननीय सदस्य द्वारा निर्देश दिए गए कि समस्त विभागाध्यक्ष ये सुनिश्चित करें कि यदि कोई महिला किसी योजना की जानकारी लेने के लिए आपके पास आई है तो संबंधित विभाग से संपर्क कर उस महिला को योजना का लाभ जरूर दिलाएं। वही एक दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बांकी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन पूजन किया है। कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसते हुए ब्रजेश पाठक नजर आए। कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचारी सरकार रही है। मथुरा आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है।
बुलंदशहर के थाना क्षेत्र गुलावटी पुलिस ने करीब प्रतिबंधित नशीली गोलियां, अवैध असलाह, चाकू सहित 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गुलावटी पुलिस द्वारा 5 अभियुक्तों को भटौना बम्बे से ग्राम जरावटी जाने वाले रास्ते से प्रतिबंधित नशीली गोलियों, अवैध असलाह सहित गिरफ्तार किया गया। वहीं अलीगढ़ में जिला कारागार के बाहर कुछ लोगों पर पैसे लेकर सामान अंदर भेजने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिला जेल पर अभिषेक सरस्वत नाम का एक युवक अपने दोस्त से मिलने के लिए जिला कारागार आया था, तो कुछ सामान देने के लिए अभिषेक ने जिला कारागार के पास बैठे कर्मचारी से कहा कि सर मेरा ये सामान मेरे दोस्त तक पहुंचा दो, तो बैठे कर्मचारी ने मना कर दिया, जिसका कारण जाना तो मामला पैसों का निकला। बिना पैसों के सामान अंदर नहीं जाता है, जब पैसे दिए तो सामान अंदर भेजा गया, जिसके बाद अभिषेक ने सोशल मीडिया के माध्यम से कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हरदोई में एक सिविलियन विद्यालय में भोजन बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। बच्चों ने आग लगने के बाद स्कूल छोड़कर मैदान का रुख किया। मामले की सूचना पाकर दमकल और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, किसी तरह से यहां पर काबू पाया गया आग पर और एक बड़ा हादसा टलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन छोटे मासूम बच्चे काफी घबराए हुए नजर आए। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के साथ केंद्रीय योजनाओं को जोड़कर सरकार लगातार प्रदेश में विकास कार्यों की नीतियों की बौछार करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के विकास की ऊंचाइयों को लेकर न जाने के लिए प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन आगामी दिनों में प्रदेश स्तर पर कुछ नई योजनाओं पर काम करने जा रही है। बीते रोज देहरादून में PCU की बैठक में 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में PCU के माध्यम से स्टेशनरी क्रय की जाएगी। गंगोत्री का गंगा जल अब उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाने की तैयारी है, जिसमें कोऑपरेटिव सर्विस से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। बिजनौर में मंदिर की पुजारी की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक रिश्तेदारों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। अज्ञात हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर जाम लगाया। NH-74 पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। पुलिस प्रशासन जाम को खुलवाने की जद्दोजहद करती हुई नजर आई। थाना शेरकोटा के मनोकामना मंदिर का ये पूरा मामला है। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र सियाना में दवाई लेने आए खानपुर निवासी बाइक सवार देवर भाभी को ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त महिला ने दम तोड़ दिया और वहीं जो देवर था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क दुर्घटना में हुई महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली से चालक को गिरफ्तार किया। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर महिला का शव मिला। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। क्षेत्र में सनसनी है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी है। देरापुर थाना क्षेत्र के हथुमा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीपरपुर पुलिस और SSG टीम ने 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 2,00,000 से ज्यादा कीमत का 20 किलो गांजा, 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कन्नौज से उड़ीसा गांजा बेचने के लिए दोनों तस्कर ले जा रहे थे। पीपरपुर रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने दोनों तस्करों की गिरफ्तारी कर ली।
तो एक और सपा नेता के खिलाफ राजस्व टीम की जांच शुरू हुई है। जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी ने गठित की जांच टीम अनियमित रूप से जमीन पर कब्जा करके पिछले कई सालों से 5-स्टार होटल का निर्माण कार्य चल रहा था। अवैध रूप से जमीन कब्जा करने और आय से अधिक संपत्ति कमाने का आरोप लग रहा है। नगर के दुसहा में 5-स्टार होटल का निर्माण चल रहा था। बलरामपुर नगर के एटीडी बाजार अभिषेक मिश्र और मनीष शुक्ला की शिकायत पर जांच शुरू हुई है। मौजूदा समय में गैसेंडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है डॉक्टर एसपी यादव, सपा वरिष्ठतम नेता हैं और मुलायम सिंह यादव के खास हैं। एसपी यादव तमाम विरोध के बाद भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया था। सपा सरकार में 2 बार मंत्री भी एसपी यादव रह चुके हैं। बदायूं में लापता किशोर का शव मिलने से ग्रामीण आक्रोश में है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया। लापता किशोर के अपहरण का नामजद केस दर्ज कर पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से ग्रामीण नाराज थे। पथराव में थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। थाना बजीरगंज क्षेत्र के गांव पेपल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।